तो पोल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो काजेज क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रेडियोलॉजिकल वेस्ट। जो रेडियोलॉजिकल वेस्ट का मतलब है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो भी समुद्र में डाल दिए जाते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। हालांकि ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कैटेगरी में आता है, लेकिन चूंकि ये वाटर को पोल्यूट कर रहा है तो इसलिए वाटर पोल्यूशन है। क्रड आयल, खाड़ी देशों से हमारे देश में समुद्र के माध्यम से तेल आता है, कच्चा तेल। अब समुद्र से जो कच्चा तेल आ रहा है वो शिप के माध्यम से आ रहा है, और उसमें टैंकर में भरा हुआ तेल यदि मान लिया टैंकर में छेद हो जाए तो तेल समुद्र के सतह पर फैल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑयल स्पिलिंग। तो ऑयल स्पिलिंग एक बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन का काज है। और हीट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अधिकतर जो नदियों के किनारे होते हैं उनमें का गर्म पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वो भी वाटर पोल्यूशन काज करता है। तो ये काजेज हैं। इसके बाद हम एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीओडी पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका संबंध केवल और इससे है, सीवेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। जब हम किसी भी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका डोमेस्टिक वेस्ट भी आ जाते हैं, किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी आ जाता है, और सीवेज, ये ऑर्गेनिक सीवेज खुद अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो जब ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंतर्गत सीवेज भी इंक्लूड है वो पानी में पहुंच जाता है, तो पानी के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया पानी के अंदर उपस्थित हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर उपस्थित हैं। अब ये सीवेज या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जब पानी के अंदर पहुंचेगा तो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, उस सीवेज को डिकम्पोजिशन करेंगे, और उस डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक वेस्ट जो उस तालाब में जाएगा उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, है ना। डिकम्पोजिशन होगा तो मिनरल्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी डिकम्पोज होता है तो मिनरल्स बनते हैं, तो मिनरल्स की मात्रा उस तालाब में बढ़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी तालाब में मिनरल्स को का बढ़ जाना। तो मिनरल्स बढ़ेंगे कैसे, जब ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर जाएंगे उनका बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा तभी तो मिनरल्स बढ़ेंगे। तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में जाएगा उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। तो बीओडी एक पैमाना है कि कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी जलाशय का पानी कितना पोल्यूटेड है। तो जितना ज़्यादा उस पानी का बीओडी लेवल होगा इसका मतलब उसका पोल्यूशन लेवल उतना ही ज़्यादा है। तो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज और डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूटेड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बीओडी। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, बैक्टीरिया द्वारा एक लीटर ऑर्गेनिक वेस्ट या सीवेज को एक लीटर डिकम्पोज करने के लिए आवश्यक ओटू की मात्रा मिलीग्राम में। एक लीटर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन यूज करता है उसकी मात्रा काहे में, मिलीग्राम में, उस वाटर का बीओडी कहलाता है। यदि किसी वाटर का बीओडी इतना है 1500 मिलीग्राम पर लीटर है से कम है
1500 मिलीग्राम पर लीटर से, तो यानी कि वाटर कम पॉल्यूटेड है। 1500 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर है तो मीडियम पॉल्यूटेड है, और 4000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वाटर हाई पॉल्यूटेड है। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? ये भी पैमाना है वाटर पोल्यूशन को नापने का। BOD भी था और COD भी। COD क्या है? स्लाइटली बेटर मोड, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अच्छा मोड है, यूज टू मेजर पोल्यूटेड पोल्यूशन लोड इन वाटर। पोल्यूशन लोड को वाटर में चेक करने के लिए ये BOD की तुलना में थोड़ा बेटर पैमाना है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? COD इज द मेजर ऑफ द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट इन वाटर। तो ये BOD और COD ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पैमाने हैं जिनके द्वारा हम वाटर के पोल्यूशन लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, BOD जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। आगे यूट्रोफिकेशन हमने बताया, यूट्रोफिकेशन आपको बताया जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा वाटर बॉडी के अंदर उसका उतना ही डिकम्पोजिशन होगा और उस जलाशय में उतने ही न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का बढ़ना किसी भी वाटर बॉडी, किसी भी तालाब के पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का बढ़ जाना क्या कहलाता है? और बढ़ेगा कैसे? जितना ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा उतना ही उसका डिकम्पोजिशन होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। एल्गल ब्लूम से जुड़ी हुई, इसी से जुड़ी हुई घटना यूट्रोफिकेशन। जब एल्गल ब्लूम होता है तब भी यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का उल्टा होता है ओलिगोट्रोफिकेशन, है ना? तो जब किसी वाटर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और उल्टा कर दो घट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो उसमें तुम ले जाके ऑर्गेनिक वेस्ट डाल सकते हो, है ना, ताकि उसका जो है न्यूट्रिएंट्स लेवल मेंटेन हो जाए। फिर अगला एक इसी वाटर पोल्यूशन से जुड़ी हुई घटना है बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्पलीफिकेशन। DDT जैसा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। DDT क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट्स कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विद ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाने के साथ इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होता है? हमने तो इसको खेत में डाला, खेत से ये पहुंच गया, मान लिया पड़ोस में तालाब है वहाँ, तो तालाब में फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर चिपक गया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जूप्लैंक्टॉन ने खाया, तो फाइटोप्लैंक्टॉन की तुलना में जूप्लैंक्टॉन में ज़्यादा हो गया, फिर जूप्लैंक्टॉन को स्मॉल फिश ने खाई, तो इस प्रकार स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने, लार्ज फिश को मनुष्य ने, तो इस प्रकार हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। फिर ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल अभी हमने बताया, ये भी एक बहुत बड़ा काज है वाटर पोल्यूशन का। ऑयल स्पिल्स क्या है? इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल वाटर पॉल्यूटेंट्स। सबसे क्यों? क्योंकि ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स एंड स्प्रेड वेरी फास्ट। यदि लीक हुआ तो बहुत तेज़ी से एंड फास्ट अफेक्टिंग लार्ज एरिया इन शॉर्ट टाइम। थोड़े समय में बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है ऑयल। अब ये फैल गया तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? ये तो बड़ा भाई, समुद्र से ला रहे थे, समुद्र में फैल गया, या खाड़ी देशों से, अब तो पाइपलाइन आ रही हैं सीधे समुद्र के अंदर। अंदर क्या डाल दी गई? बस वहाँ से वो भेजेंगे, भारत में आ जाएगा तेल, है ना? तो मान लिया वो पाइपलाइन क्या हो गई, फट गई, फैलेगा नहीं फैलेगा, है ना? तो ये ऑयल स्पिल्स जो है वो केवल सरफेस पोल्यूशन ही नहीं करता है, ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी करता है। मान लिया वो पानी कैसे भी ऑयल स्पिलिंग हुई, और ऑयल स्पिलिंग होने के बाद वो ऑयल कहाँ चला गया? ग्राउंड वाटर तक पहुँच गया। तो उसको बाहर निकालोगे तो आपको जो पानी मिलेगा वो कैसा पानी मिलेगा? तैलीय पानी मिलेगा, उसमें तेल मिला रहेगा, उसको पियोगे बीमार हो जाओगे, है ना? तो ये भी याद रखिएगा, जो ऑयल स्पिल्स है
ये ऑयल स्पिल केवल सरफेस वाटर पोल्यूशन काज नहीं करता है बल्कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी काज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी काज करता है। कैसे इसको सही किया जाएगा तो ये देख लीजिए, ऑयल स्पिल इन वाटर कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली। ब्रिगोली ये क्या है? ये ब्रिगोली एक बाई प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री का, पेपर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। कौन सा? ब्रिगोली। यदि ऑयल स्पिलिंग हो गई है तो ये ले आओ ब्रिगोली और फैला दो कहाँ? पानी में। तो ये क्या करेगा? तेल को सोख लेगा, तो आपका वो सही हो जाए। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सुपर बग के नाम से, यदि ऑयल स्पिलिंग हुई है उन बैक्टीरिया को ले जाके वहाँ छोड़ दो, वो सारा क्रड ऑयल को तोड़ के ख़त्म कर देंगे, समझ में? तो ये इससे दूर किया जा सकता है। इसके बाद फिर आता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ से बहुत सारे इफ्लुएंट का मतलब होता है बाहर निकलने वाला जो कचरा है ना, तो उस कचरा जो निकलता है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है? नदियों में। अधिकतर जो फैक्ट्री होती है नदियों किनारे होती हैं, हालांकि अब इस पर बहुत रोक लग रही है, इस पर अब कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के द्वारा कि नदियों में सीधे जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट ना जाने पाए, पहले उसका फिल्ट्रेशन हो और उसके बाद जो कचरा है वो रुक जाए, रोक लिया जाए, पानी फिर जाने दिया जाए, तो उसका रिक्लेमेशन करने के बाद फिर नदियों में डाला जाए। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत कुछ जा रहा है नदियों में, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहते हैं। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? एसिड हो सकता है, एल्कली हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, फिनाल, हैवी मेटल्स में जैसे HgCd PbZnCu कोबाल्ट, ये सब वाटर बॉडी में जाते हैं और वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कैडमियम, वाटर में कैडमियम का कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाता है तो उससे इटाई रोग होता है, इसे आउच आउच रोग भी कहते हैं। आउच आउच या इटाई, ये है क्या? बोन्स में जो है बहुत तेज़ी से पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब ज़्यादा दर्द होता है तो क्या बोला जाता है? आउच, तो उसी से हो गया आउच आउट डिजीज, है ना, तो इटाई या आउच आउट डिजीज इसको बोलते हैं। बहुत पेनफुल डिजीज़ है बोन्स और जॉइंट्स में। इसके अलावा यह लंग और लीवर में कैंसर भी काज करता है, जो कैडमियम है ये लंग्स में और लीवर में कैंसर भी काज करता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? HG, इससे यदि ये इससे वाटर पोल्यूटेड है, पारे का यदि पोल्यूशन है वाटर में, तो उससे मिनीमाटा डिजीज होती है। मिनीमाटा जापान का एक जगह है, वहाँ पर 1952 में सबसे पहले मछली, मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ का जो समुद्र था उसमें HG का पोल्यूशन हो गया, और वहाँ से जिन लोगों ने मछली की, भाई मछली लिया तो पानी में यदि HG है तो पानी मछली के अंदर गया तो मछली के अंदर भी वो पहुँच गया, और उस मछली को जब खाया किसी ने तो उसमें जो रोग हुआ, उस रोग में हुआ क्या, नमनेस इन लिम्स लिप्स एंड टंग, ब्लरिंग इन विजन एंड मेंटल डिटेरमेंट, मतलब सही दिखता नहीं था उसको, हाँ सीधे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता था, तो उससे चूंकि वो मिनीमाटा जगह से स्टार्ट हुआ था इसलिए उस रोग को नाम दे दिया गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, जापान की घाटी है, जापान की एक जगह है, वही तो हमने बोला जगह है और घाटी तुमने और उसको रिफाइन कर दिया, है ना, जगह हमने बोला। हाँ नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तुम्हारे विजन जो है ब्लर हो जाएगा, सही बोल नहीं पाओगे, होंठ लड़खड़ाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा
फ्लोराइड का यदि कंसंट्रेशन पानी में बढ़ जाता है तो फ्लोराइड के कंसंट्रेशन के बढ़ने से फ्लोरोसिस डिजीज होती है, फ्लोरोसिस डिजीज होती है। इसके अलावा आर्सेनिक, आर्सेनिक का यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है, आर्सेनिक के कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या होता है, ब्लैक फूड डिजीज होती है। और इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपरकीटोसिस और लंग और स्किन में कैंसर विकास करता है, लंग और स्किन में कैंसर। आर्सेनिक कंटामिनेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन ट्यूब वेल डंग एरियाज इन द गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल, काजिंग सीरियस आर्सेनिक पॉइजनिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन 2007 स्टडी फाउंड दैट ओवर 137 मिलियन पीपल इन मोर देन 70 कंट्री प्रॉबली अफेक्टेड बाई आर्सेनिक पॉइजनिंग और ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बहुत बड़ा इशू है, गंगा डेल्टा जो है बंगाल में, वहाँ पर आर्सेनिक से आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ के पानी में आर्सेनिक मात्रा ज़्यादा है। अपने जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अभी चले जाइए थोड़ा जो उधर वाला एरिया है जहाँ पर अपना शारदा और घाघरा है, वहाँ के भी पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। तो इससे आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, स्किन और लंग्स के कैंसर होते हैं। और इसके अलावा ब्लैक फूड डिजीज, ये पर्टिकुलर याद रखिएगा आर्सेनिक पॉइजनिंग से। इसके अलावा नाइट्रेट, यदि ऐसा पानी आप पीते हैं जिसमें नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नाइट्रेट का ऐसा पानी आप पीते हैं जिसमें नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो नाइट्रेट कंसंट्रेटेड वाटर को यदि आप पीते हैं तो ये बीमारी होती है, कौन सा, मिथेमोग्लोबिनेमिया। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, क्या होता है ये कोई बताएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? एक्चुअल में जो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट रिच समझ लीजिए इसको, नाइट्रेट रिच वाटर यदि हम पियेंगे तो नाइट्रेट हमारे अंदर जाएगा और ब्लड के हीमोग्लोबिन को नॉन फंक्शनल मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रेट क्या करता है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मिथेमोग्लोबिन में। और जब मिथेमोग्लोबिन जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल मतलब वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ने की कैपेबिलिटी, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शरीर नीला पड़ जाएगा, इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का। तो क्या करता है, समझ में आ गया, नाइट्रेट शरीर के अंदर जाने के बाद क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके उसको नॉन फंक्शनल मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। और मिथेमोग्लोबिन क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेबिलिटी इसमें ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, इसी को मिथेमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाटर पोल्यूशन से संबंधित जो बहुत आपको कंसोलिडेट करके हमने दे दिया, ये समेट के दे दिया, वैसे तो इसको तो बहुत लंबा खींचा जाए तो बहुत कुछ खींचा जा सकता है, लेकिन लगभग सारे पॉइंट्स हमने शामिल कर लिए। अब कुछ चीज़ें बची जिनको आपको स्टडी करना है, वो कौन सा है, देखो इस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, गंगा सफाई अभियान जो है उसके ऊपर बेस्ड है, किस प्रकार से गंगा को पॉल्यूशन फ्री किया जाए, तो ये एक प्रोजेक्ट है। इसके पहले गंगा को लेकर, गंगा नदी की सफाई को लेकर इसके पहले भी गंगा एक्शन प्लान बना था, तो गंगा एक्शन प्लान क्या है वो पढ़ लीजिएगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है वो पढ़ लीजिएगा, जो रिवर हम आपको बता दे रहे हैं ना, ये आप गूगल से डाल के पढ़ लीजिएगा, जो भी रिवर प्रोजेक्ट अपने यहाँ के हैं पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, वो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी हमने सब कुछ समेट लिया है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।